प्रदेश की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार खरगोन आनंद नगर कपास मंडी में कपास मुहूर्त के पहले ही दिन हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई, जिसकी वजह से करीब 1.5 घंटे तक नीलामी रोकनी पड़ी। किसान उचित भाव न मिलने से नाराज नजर आए। सोमवार को कपास फसल खरीदी का श्री गणेश हुआ। सुबह 10 बजे विधायक रवि जोशी, पूर्व राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने मंडी सचिव और व्यापारियों की मौजूदगी में पूजन अर्चन कर नीलामी की शुरुआत की। पहला वाहन 6,481 रुपए बिकने के बाद 5,550 रुपए बोली लगने पर किसान आक्रोशित हो गए। किसानों ने भावों को लेकर नाराजगी जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ता देख व्यापारी नीलामी बंद कर मंडी सचिव कक्ष में जा बैठे, जिसके बाद किसान भी मंडी सचिव कार्यालय के बाहर पहुंच गए। गुस्साए किसानों ने मंडी सचिव कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया और मुख्यमंत्री हाय हाय, कृषि मंत्री हाय हाय के नारे लगाए। सचिव ने समझाइश का प्रयास किया, लेकिन किसान 8 से 10 हजार रुपए बोली लगाने की मांग पर अड़ गए, कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। जैसा कि किसान सोच के आया था कि कम से कम 7.5 से 8 हजार रुपए का भाव मिलना चाहिए, उस हिसाब से उन्होंने 6,481 रुपए जो मंडी मुहूर्त की गाड़ी का बोली लगाई वो बहुत कम है, उम्मीद से कम भाव मिला, इसलिए किसान नाराज है। किसानों का भी कहना है कि आगे गाड़ी नहीं होंगे देने। अब वो किसानों का डिसीजन है, क्योंकि 6,481 के बाद में आगे सुनने को मिला है कि 5,500 रुपये में भी गाड़ी गई है। पटेल साहब, आपकी कितने में गई है? 5,550। और कपास अच्छा था, वही कपास सूखा था, तो 1,000 रुपये एकदम से डिफरेंस आया, तो अभी तो पूरा दिन है, तो भाव कहाँ जाएगा। मंडी सचिव लक्ष्मण सिंह ठाकुर ने बताया कि फिलहाल नमी युक्त कपास आ रहा है, जबकि सूखे कपास के भाव अधिक हैं। किसानों और व्यापारियों के बीच सुलह का प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअल में कुछ माल अभी गीला भी आ रहा है, गीला माल का भाव कम है और तो सूखे माल के भाव अच्छे हैं। शुरू में मुहूर्त में एक गाड़ी 6,451 तक गई है और सूखे माल 7,400 तक जा रहे हैं। अच्छे माल की क्वालिटी, जो पिछले साल का भी जो बचा हुआ माल है वो अच्छे भाव में जा रहा है। वहीं मंडी व्यापारियों ने बताया कि कपास के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करता है। वर्तमान में कपास में नमी आ रही है, आगामी दिनों में कपास की आवक और क्वालिटी के अनुसार भावों में उतार चढ़ाव रहेंगे। सबसे पहले तो आज की नई सीजन की मंडी के मुहूर्त में व्यापारियों किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और प्रथम गाड़ी जो आज मंडी की बिकी है 6,481 रुपये बिकी है। चूँकि नया कपास मॉइस्चर वाला आ रहा है, नमी वाला आ रहा है, इसलिए कपास के भाव कम है। और जो पिछले साल का काफ़ी कपास बच गया था वो कपास भी आज मंडी में लगा, उसके भाव 7,451 तक बेचा गया है, चूँकि वो सूखा कपास था। किसानों की जो मंडी रोकने की कारण है, उनकी भावना ये थी कपास के भाव ऊँचे मिले, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में रुई के भाव भी कम है और कॉटन सीड के भाव भी कम होने के कारण व्यापारियों की मजबूरी है कि कपास को उस मार्केट से मेज करके ही बेचना है। इस कारण से 6,481 में नए कपास बेचा गया है। हालांकि कपास पर लगने वाला 1.70 टैक्स में सरकार ने राहत देकर 70 पैसे कर दिया है। इसका लाभ व्यापारियों के साथ ही किसानों को भी मिलेगा। करीब 1 घंटे चले प्रदर्शन के बाद दोबारा नीलामी शुरू हो सकी। मुहूर्त में 270 वाहन और 150 बैलगाड़ी कपास सोना मंडी पहुंचा था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।